टर्निंग पॉइंट। 1943 का समय, बंगाल में भीषण अकाल पड़ने के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। एक परिवार में 14 बच्चे रहते हैं, उनमें से 7 ही बच्चे बच पाते हैं, उनमें से एक रहती हैं। वो जीवन में आगे बढ़ती हैं। कुछ समय के बाद 1971 में पति की मौत हो जाती है। पति की मौत इसलिए होती है क्योंकि पैसे का अभाव और डॉक्टरों की लापरवाही, अशिक्षा के कारण, उन बातों को नहीं समझ पाने के कारण पति की मौत हो जाती है। उसके बाद उनके मन में संकल्प आता है कि वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाएंगी, लेकिन चर-चर बच्चों का बोझ और काम सब्जी बेचने का और लक्ष्य बहुत बड़ा, आखिर पूरा कैसे होगा। यहीं से आता है उनके जिंदगी में टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। मैं बात कर रहा हूं पद्मश्री सुभाषिनी मिस्त्री की, जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से लोगों को एक मिसाल पेश किया है। जिन्होंने ये बताया कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। वो सब्जी बेचने का काम करती थी, मजदूरी करती थी, बर्तन धोने का काम करती थी, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर वो प्रयत्नशील रहीं। इसी के कारण उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इतनी सहज थी कि जब वो पद्मश्री लेने पहुंची तो उनके पैर में हवाई चप्पल, और लेकिन सोच इतनी हवाई थी, सोच इतनी बड़ी थी कि लोग देखते ही दंग रह गए और माने कि वास्तव में कोई भी कार्य से, किसी भी माध्यम से आप अच्छा कार्य समाज के लिए कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे लम्हे आते हैं जो हमें निराश कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो हार मान जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप लड़ते रहते हैं। 1943 में ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। इसी दौरान सुभाषिनी मिस्त्री का जन्म हुआ। उनके घर में कुल 14 बच्चे थे, पिता किसान थे। उनके पास थोड़ी ज़मीन थी, मगर सब बर्बाद हो गया। अगले कुछ सालों में 14 में से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। सुभाषिनी की शादी हंसपुकुर गांव के चंद्र नाम के खेतीहर मजदूर से हुई थी। उनके 4 बच्चे थे। 1971 के दौरान अचानक सुभाषिनी के पति की हालत बिगड़ने लगी। पैसों की कमी और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई। अब गरीब और अनपढ़ सुभाषिनी को अकेले ही 4 बच्चों को पालना था। कई दिनों तक दुख और चिंता में रहने के बाद सुभाषिनी ने निर्णय लिया कि जो उनके साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं होगा। वो खुद अपने गांव में अस्पताल बनवाएंगी, लेकिन सामने तो 4 भूखे बच्चे भी थे। सुभाषिनी का एक बेटा पढ़ने में अच्छा था, इसीलिए उन्होंने उसे कोलकाता के अनाथ आश्रम में भेज दिया। सुभाषिनी ने खाना बनाना, बर्तन कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करने से लेकर मजदूरी तक सारे काम किए। फिर वो धापा गाँव आई, वहाँ उन्होंने खुद ही सब्जी उगा कर बेची। इससे उनकी ठीक ठाक कमाई होने लगी। सुभाषिनी ने पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सेविंग करने लगी। वे अपने बच्चों पर थोड़ा बहुत खर्च करती थी, साथ ही खुद पर कुछ भी खर्च नहीं करती थी। 1992 में सुभाषिनी ने हंसपुकुर गांव में लौटकर 10,000 रुपये में 1 एकड़ ज़मीन खरीदी। गांव वालों की मदद से 1993 में एक टेम्परेरी शेड बनाया। इस अस्पताल को ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल का नाम दिया गया। लाउड स्पीकर की मदद से शहर में डॉक्टर से फ्री सेवा की विनती की गई। कुछ भले डॉक्टर्स इसके लिए तैयार भी हुए। पहले ही दिन इस अस्पताल में 252 मरीजों का इलाज हुआ। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, मगर बरसात के मौसम में कहर बरसा और अस्पताल में घुटनों तक पानी भरने लगा। कभी कभी तो रोड पर मरीजों का इलाज किया जाता था। फिर सुभाषिनी के बेटे अजय आए। उन्होंने स्थानीय सांसद को आगे मदद की गुहार लगाई। बहुत कोशिशों के बाद अस्पताल को सीमेंट की छत मिल गई। आज ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल के पास 3 एकड़ की ज़मीन है। हॉस्पिटल 9,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। अब तो ये 2 मंजिला हो चुका है। यहाँ गरीबों का फ्री में इलाज मिलता है। गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों को 10 रुपये की फीस ली जाती है। सुभाषिनी मिस्त्री कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी के सबसे अंधकारमय समय में मुझे भगवान की दया ने नई दिशा मिली। इस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी को एक नया मकसद मिला। मैं अपनी सारी ऊर्जा ये सुनिश्चित करने में लगा दी कि कोई भी मेडिकल सुविधाओं की कमी की वजह से अपने प्रियजन को ना खोए। आज भी सुभाषिनी मिस्त्री कहती हैं कि जिस दिन यह अस्पताल सर्व सुविधा संपन्न हो जाएगा, 24 घंटे अपनी सेवाएँ दे पाएगा, तब मैं चैन से मर पाऊँगी। हमें विश्वास है कि सुभाषिनी मिस्त्री की कहानी पढ़ने के बाद आपको एक नई प्रेरणा जरूर मिली होगी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए
तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।